हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मिसलीडिंग मेटा क्यों आता है? आखिर हम ऐसा कौन सा गलती करते हैं जिस कारण से हमें मिसलीडिंग मेटा आता है, और ये कितने दिनों में आता है हमें, यहाँ पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको मिसलीडिंग मेटा आ चुका है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे इसे रिमूव करना है एंड क्यों आता है, क्या गलती आपने कर रखा है और ये कब तक ठीक हो जाएगा। तो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड अगर आप एक यूट्यूबर हो, नए यूट्यूबर हो, तो आपके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप ऐसी गलती ना करो, ऐसी जाल में ना फंसो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है एंड आप देख रहे हो एवन टेक्निकल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं दोस्तों कि मिसलीडिंग मेटा डाटा क्यों आता है, हम ऐसे कौन से गलती करते हैं जिस कारण से मिसलीडिंग मेटा डाटा आता है एंड ये कितने दिनों में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कितने दिनों में आता है। दोस्तों, अगर आप कोई गलती कर रहे हो, कोई गलती मतलब कि मैं आगे बताने वाला हूँ क्या गलती कर रहे हो, अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आपको मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के बाद आ जाएगा। मतलब मोनेटाइजेशन भी अप्लाई करोगे, रिव्यू में जाएगा चैनल एंड आपको मिसलीडिंग मेटा करके आ जाएगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा आपका चैनल। एंड हाँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है एंड वो गलती आप कर रहे हो तो फिर आपको कभी भी आस्ता है, जब आप पकड़े जाओगे तो फिर डंडे पड़ जाएगी, मतलब आपको मिसलीडिंग मेटा आ जाएगा, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। अब रही बात के, सर बता भी दो कि कौन सी गलती है जो मैं कर रही हूँ या रहा हूँ एंड इस जाल में फंस चुका हूँ, इस प्रॉब्लम से फेस कर रहा हूँ। दोस्तों, मल्टीपल टैग को यूज करना, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन यूज करना, मतलब मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन यूज करना। अब ये मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मिसलीडिंग टैग क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए सर, ये आपके मन में चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल को ओपन कर रहा हूँ, आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमित रांची ऑफिशियल, ये मेरा नया चैनल है जिसको मैं बैकअप के तौर पर यूज कर रहा हूँ। एंड फिलहाल मैं जिस गलती से मिसलीडिंग मेटाडेटा आता है उस गलती को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। आप सोच रहे हो यार दोहरा रहे हो तो डर लगता है क्या, ये सुनो ना। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, एक्सिस बैंक के ऊपर वीडियो बनाया हूँ जिसके ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ एंड डिस्क्रिप्शन देखो कितने सारे कीवर्ड मैंने यूज कर रखे, मल्टीपल कीवर्ड यूज कर रखे हैं। एंड ये देख दो, ये जितने कोमा करके मैंने कीवर्ड यूज किए हैं, ये कभी यूज नहीं करना। इस गलती के कारण आपको मिसलीडिंग मेटाडेटा आता है। जी हाँ, इस गलती को नहीं करना है। इस गलती को क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इससे ज्यादा व्यूज आता है। हाँ, बहुत ज्यादा व्यूज आता है इसके कारण हम इस चीज को यूज करते हैं, लेकिन अगर हम मोनेटाइजिंग में अप्लाई करेंगे तो ये डीमोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा चैनल। अगर मोनेटाइज रहेगा चैनल तो ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। एंड कभी भी आस्था है मिसलीडिंग मेटाडेटा, ना कि आपको पर्सनली ये किसी टाइम पे आएगा, कभी भी आस्था है, सिर्फ मोनेटाइज होना चाहिए। तो जब आपकी चैनल पकड़े जाएंगे रिव्यू में फिर आ जाएगा, तो आपको ये चीज को यूज नहीं करना है। दूसरा चीज, मिसलीडिंग टैग क्या होते हैं? तो मिसलीडिंग टैग यहाँ पे देखो, आपकी यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मैंने यूज कर रखे हैं, बहुत सारे अलग अलग कीवर्ड यूज कर रखे हैं, तो वो कीवर्ड को यूज करते हो तो वो मिसलीडिंग कीवर्ड हो गए, डेटा हो गया, टाइटल हो गया, तो आपको ऐसे यूज नहीं करने हैं। इसके लिए आप नॉर्मल यूज करेंगे जो हमारे एवन टेक्निकल सॉल्यूशन जो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टैग, जैसे मैंने लिख रखा है डिस्क्रिप्शन टैग, वैसे यूज करो ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मिसलीडिंग मेटाडेटा क्यों आता है, क्योंकि मल्टीपल कीवर्ड हम अपने डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, वो भी बहुत सारे लिंक्स भी लगाते हैं, बहुत सारे वीडियो का टाइटल लिख के एंड उसके लिंक लगाते हैं, उसके कारण से भी हमें मिसलीडिंग मेटाडेटा आता है। तो मल्टीपल डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कीवर्ड यूज करना, कोमा यूज करना एंड अलग अलग टाइप्स कीवर्ड यूज करना, वर्ड यूज करना, वो मिसलीडिंग मेटाडेटा में काउंट होता है। मतलब आप किसी को मिसलीड कर रहे हो, कुछ और कीवर्ड लगा रखे हो एंड किसी और पे वीडियो भेज रहे हो अपने, तो उसे बोलते हैं मिसलीडिंग मेटा डेटा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आ गया तो लाइक कीजिए एंड अगर नहीं आया एंड अगर मन में कोई क्वेश्चन अभी भी अराइज हो रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, मुझसे पर्सनली पूछते हैं, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन लिंक हमारा, कमेंट में आप बता सकते हैं सारा कुछ कि आपको क्या मन में उठ रहा है, वो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, हमारे वीडियो देखकर अपने प्रॉब्लम से बच पाओ। एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।